हेलो मॉडर्न किड्स, वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट नाउ टेक आउट योर इंग्लिश बुक। सभी अपनी इंग्लिश की बुक ओपन करेंगे सभी बच्चे। ओके, चलिए नाउ स्टार्ट। चैप्टर 5 बेटा हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है। ओके, अब हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे बेटा? ट्रू फॉल्स करेंगे या बुक वर्क का सारा एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहला आपका ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स देखेंगे। चलिए देखते हैं बेटा। फर्स्ट, रिया एंड हर फादर गो टू द गार्डन। ट्रू होगा बेटा कि फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। क्यों? रिया और उसके पिता बगीचे में जाते हैं? नो। तो क्या होगा बेटा यहाँ? फॉल्स होगा। ओके, फॉल्स पे टिक होगा। सेकंड बेटा क्या होगा? मिसेस ब्राउन बेकरी सेल्स यमी कुकीज़ एंड केक्स। श्रीमती ब्राउन की जो बेकरी स्वादिष्ट कुकीज़ और केक बेचती हैं, वो क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। सही बात है, स्वादिष्ट कुकीज़ एंड केक्स बेचती हैं, है ना? थर्ड क्या है बेटा? रिया बायस ट्यूलिप्स फॉर द मदर, फॉर हर मदर। ओके, फॉर हर मदर। यहाँ पे बेटा ट्रू होगा या फॉल्स होगा? फॉल्स होगा। क्यों फॉल्स होगा? रिया अपनी माँ के लिए ट्यूलिप खरीदती है। ट्यूलिप मीन्स बेटा होता है एक प्रकार का पौधा। क्या होता है? एक प्रकार का पौधा। क्या खरीदती है रिया के, रिया अपनी माँ के लिए? पहले से भी आप लोगों ने बुक रीड किया है, तो क्या क्या लेती है बेटा? रोज़ लेती है, और क्या लेती है? लिलीज। जिसमें से उसमें उसको क्या पसंद था? लिली बहुत ज़्यादा पसंद था उसकी माँ को। तो यहाँ बेटा क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, ऐसा कुछ तो है नहीं, यहाँ ट्यूलिप है बेटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? फॉल्स। फोर्थ में क्या होगा? अक्रॉस द रोड फ्रॉम द पार्क इज द पोस्ट ऑफिस। पार्क से सड़क के पार डाकघर है? ट्रू। यस, हाँ है। फिफ्थ में बेटा क्या होगा? रिया एंड हर फादर आर लेट फॉर लंच। रिया और उसके पिता दोपहर के भोजन के लिए क्या हो गया था बेटा? देर हो चुके हैं। तो क्या होगा बेटा? ट्रू होगा। यहाँ पे ट्रू होगा। फिर से एक बार देख लो बेटा, फर्स्ट में फॉल्स होगा, सेकंड में ट्रू होगा, थर्ड में फॉल्स होगा, फोर्थ में ट्रू होगा, लास्ट में आपका फिफ्थ में ट्रू होगा। ओके, चलिए अगला देखते हैं बेटा क्या है। जहाँ बेटा आपको आंसर दिस क्वेश्चन दिया गया, वहाँ पे 6 आंसर यहाँ क्वेश्चन में। टिक द वर्ड्स यू कैन यूज फॉर रिया। रिया के लिए कौन से वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, वो आपको उस पर क्या करना है, उस वर्ड्स पे, उस सर्कल में आपको टिक करना है ना बेटा? तो पोलाइट वर्ड यूज़ किया गया है, काइंड पे टिक करना है, हैप्पी पे टिक करना है। ओके, कहाँ कहाँ बेटा? पोलाइट, काइंड एंड हैप्पी। ओके, रिया के लिए ये वर्ड्स यूज किए जाएंगे बेटा। चलिए अगला देखते हैं। पेज नंबर 34 ओपन करिए। लुक एट ईच पिक्चर एंड सर्कल द करेक्ट प्रोनाउन। यहाँ बेटा आपको बहुत सारी पिक्चर्स बनी हैं और नीचे प्रोनाउन दिया गया है, तो आपको ये बताना है बेटा कि कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे, है ना? तीन तीन प्रोनाउन है, तो आपको कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना है बेटा? यहाँ फर्स्ट में आपको इट पे सर्कल करना है, सेकंड में मी पे सर्कल करना है, यहाँ पे बेटा आपको सी पे सर्कल करना है, यहाँ यू पे सर्कल करना है, यहाँ पे आई पे सर्कल करना है, एंड ही पे सर्कल करना है। ओके, यहाँ पे इट पे सर्कल करना है। समझ में आया बेटा? जिस जिस प्रोनाउन पे बेटा सर्कल है, वहाँ वहाँ आपको सर्कल करना है। ओके, पिक्चर्स को देख करके प्रोनाउन पे सर्कल करना है। चलिए देखते हैं आगे बेटा। यहाँ पे भी पिक्चर्स बनी हुई हैं, तो तीन प्रोनाउन है बेटा, कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? दे, यहाँ पे बेटा ही। ओके, ही यूज़ होगा। फिर आपका लास्ट बेटा क्या है? मैच ईच वर्ड विथ इट्स मीनिंग। यहाँ पे आपको मैचिंग दी गई है, आपको मैच करना है। जैसे फर्स्ट क्या है? बेकरी। बेकरी को कहाँ मैच करेंगे? अ शॉप दैट सेल्स ब्रेड केक्स एंड पेस्ट्रीज। बेकरी पे ही मिलता है ना बेटा, बेकरी की शॉप पे ब्रेड केक्स एंड पेस्ट्रीज मिलती है। फ्लोरिस्ट, आपको बताए थे फ्लोरिस्ट की मीनिंग क्या होती है बेटा? फूल वाला होता है ना,
अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर, जो फूल बेचता है, है ना, तो यहाँ पे मैच कराएंगे। ओके थर्ड बेटा क्या होगा, स्टेशनरी शॉप। स्टेशनरी शॉप पे बेटा क्या क्या मिलता है, अ शॉप दैट सेल्स पेपर्स पेंस पेंसिल्स एंड इरेजर्स। ओके ये सब मिलता है। फोर्थ पे पार्क, अ प्लेस वेयर चिल्ड्रेन प्ले, जहाँ बच्चे खेलते हैं, वो पार्क होता है वो स्थान। ग्रोसरी, अ शॉप दैट सेल्स फूड एंड अदर गुड्स यूज्ड एट होम, आपको यहाँ पे मैच कराना है। ओके सभी बच्चों को समझ में आया। बेकरी को लास्ट से, फ्लोरिस्ट को फर्स्ट से मैच कराएंगे, स्टेशनरी शॉप को और शॉप डेयर सेल्स पेपर पेंस पेंसिल्स एंड इरेजर्स से, पार्क को बेटा अ प्लेस वेयर चिल्ड्रेन प्ले, ग्रोसरी को और शॉप डेयर सेल्स फूड एंड अदर गुड्स यूज्ड एट होम। ओके जहाँ पे अच्छे कुछ अदर मतलब घर पे यूज़ होने वाले सेल्स होते हैं वो ग्रोसरी से मैच करेगा। ओके बेटा समझ में आया सभी बच्चों को। ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बेटा थैंक यू, हैव अ नाइस डे क्लास।